नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई, जिससे आक्रोशित भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव के नेतृत्व में जगदलपुर शहर के गोल बाजार चौक में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा उक्त अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए पुतला दहन किया। पुतला दहन के पश्चात जिलाध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दिन ब दिन बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं को रास नहीं आ रहा है, जिससे यह आए दिन कांग्रेस के नेताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की जाती रही है। जिलाध्यक्ष अविनाश ने कहा कि भारत देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने से दुश्मन देशों को हंसने का मौका मिलता आया है। इसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। कांग्रेस पार्टी का बचा कुचा जनाधार भी अब ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले पवन खेड़ा जैसे नेता कम करने वाले हैं। कांग्रेस के नेता खुद ही कांग्रेस मुक्त भारत बनाने वाले हैं। जनता ऐसे नेताओं वाली पार्टी को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करेगी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हों। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा छत्तीसगढ़ की पावन भूमि में कदम ना ही रखें तो अच्छा होगा, जिससे छत्तीसगढ़ की पावन धरा दूषित हो जाए। भाजुमो ऐसे नेता का कड़े शब्दों में विरोध करती है। किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं ये पूरे देश की जनता जानती है, लेकिन पवन खेड़ा जी ने जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कांग्रेस किस तरीके से सत्ता हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री जी के चरित्र पर, उनकी उनके जीवन पर टिप्पणी करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। ये देश के प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक से परे उठकर सबको देश के प्रधानमंत्री अपनाना चाहिए, लेकिन आज तक कांग्रेस अपना नहीं पाई है। इसलिए लगातार नरेंद्र मोदी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कांग्रेस के नेता करते आए हैं, जिसका आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बस्तर पूर्ण जोर से विरोध करती है। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि पवन खेड़ा के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, नहीं तो आने वाले समय में युवा मोर्चा, अभी जब अधिवेशन हो रहा है कांग्रेस का अधिवेशन, पवन खेड़ा जी भी आएंगे, इनका पूर्ण जोर विरोध करेंगे और छत्तीसगढ़ पर धरा पर इन्हें टिके नहीं देंगे। यह भारतीय जनता युवा मोर्चा वाले कह नहीं रहे, चेतावनी दे रहे हैं।